नेवर मिस अ प्रेडिक्शन वीडियोस। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें एंड स्टे अपडेटेड फॉर लेटेस्ट वीडियोस। मूलधारा चक्र से सहस्रार चक्र के ऊपर के चक्र जो होते हैं उनकी देवात्री सिद्धिदात्री है, और जो हर सिद्धि को पूरा करे वही सिद्धिदात्री। हमारे नॉर्थ में बोलते हैं दातिये, जब तुमने हाथ रखा तो सब कुछ संभव हो गया। माँ तेरे हाथ रखने मात्र से ही जीवन धन्य हो जाता है, हर आदमी अपने दुखों से दूर हो जाता है। नवरात्रों की इस यात्रा में आप सब हमारे साथ रहे, और आज जिन्होंने आखिरी नवरात्रे में प्रवेश किया, जैसे ही हवन यज्ञ हो रहा है, नवमी का ये यज्ञ, नवमी का ये हवन जो हो रहा है, उसमें जो हमारे मित्र, हमारे माँ के भक्त पधारे हैं, वो और धन्य हो गए, क्योंकि हवन का लाभ आपको मिला। माँ सिद्धिदात्री जो हैं वो कमल पर सवार हैं। आपने देखिए यहाँ पर साउथ में इनको अम्मा कहते हैं। ये अलंकृत माँ की तस्वीर जो है, ऐसे लग रहा है जैसे जागृत होती है। इनको गजलक्ष्मी भी कहा जाता है। इसमें कम से कम जो जिन्होंने हमें, हमने जिनसे बनवाई, उन लोग का ये कहना है कि इसमें कम से कम 100 से 150 ग्राम गोल्ड लगा हुआ है। तो ये अलंकृत देवी जो है, इनको हार भी डालने की जरूरत नहीं है। हाथियों, हाथी जो है, आप देखो गज जो है उनका, माई ये बग्स राइट, हाथी जो है उनका अभिषेक कर रहे हैं, और अभिषेक भी जो है वो स्वर्ण जल से कर रहे हैं। तो जब गजकेसरी योग किसी की कुंडली में लगता है तो उसके ऊपर महालक्ष्मी की प्रसन्नता होनी पड़ती है। हे महा महालक्ष्मी, पूरे संसार में जिस तरह का वातावरण बना है, चाहे इजराइल है, हिजबुल्ला है, इन सबको शांत करो। हमारा हिंदू धर्म क्या कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हमारी सबकी सिद्धियां पूरी करो, हमारे देश में भी प्रगति हो। धर्म गुरु बनने जा रहा है विश्व का, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और जो भी हमारे नेतागण हैं उनको सुदृढ़ करो, उनके कमलों को, उनके पांवों को शक्ति दो, ताकि हम पूरे युग की तरह अपनी साख जो है वो जमा सके। और आज सिद्धिदात्री जो है कहते हैं कि जब भी आपके ऊपर माँ सिद्ध हो जाती है तो आप उस माँ की शक्ति के साथ सिद्ध हो जाते हैं, जो बोलते हैं वो होता है। आपकी कृपा मेरे ऊपर रही, जो भविष्यवाणियां करता हूँ उनमें से 90% 95% आप सिद्ध कर देती हैं। मैं आपका अनुग्रहित हूँ, आपका आशीर्वाद माँ ऐसे ही बना रहे और आपकी कृपा हमारे ऊपर ऐसे ही बना रहे। इसलिए आखिरी बार नवरात्रों की इस भावनात्मक दृष्टिकोण, भावनात्मक इसलिए कह रहा हूँ कि कल से हमारी पूजा जो है वो खत्म होती है, यानी कल दशहरा है। कल भगवान राम जो है बुराई का वध कर अच्छाई की स्थापना करते हैं, रावण को मारते हैं। बल्कि रावण जो है वो महापंडित थे, मगर कहते हैं दैत्यानाम परमं गुरु, दैत्यों के वंश में पैदा हुए, इसलिए उनका संहार जो है भगवान राम चैत्र नवरात्रों में ये स्थापना करते हैं। घट स्थापना चैत्र नवरात्रों ने भगवान राम ने की, चढ़ाई करनी शुरू की, और चढ़ाई करते 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 शारदीय नवरात्रे तक जब भगवान राम आते हैं, और जब राम सेतु बनता है, राम सेतु पार होने के बाद जब कुंभकर्ण और मेघनाथ का वध करते हैं, तो भी रावण जो है वो सुधरता नहीं है। हजारों चेतावनियां दी जाती हैं, मगर कहते हैं ना कि उनका वध जो था वो भी एक मोक्ष का कारण था। महापंडित जिसने भगवान शिव को अपने कंधे पे बिठाकर कैलाश से नीचे ले आया, इतना बड़ा पंडित, इसलिए उसको भी ये वरदान था कि तुम्हारी जो मुक्ति है वो त्रेता युग में भगवान श्री राम के हाथों होगी। इसलिए उसने जानबूझकर ये माया जाल रचा, सीता जी का अपहरण किया, अपनी मुक्ति के लिए भगवान राम को का आह्वान किया, और भगवान राम ने चढ़ाई करके रावण का वध किया। मगर रावण का वध होता ही नहीं, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत कुंभ था,
उसने काल और मृत्यु को तो पावे के साथ बांधा हुआ था, मृत्यु और काल तो तीनों लोग उसके दास थे, मगर उसके बाद विभीषण ने जब बोला कि इसकी नाभि में अमृत कुंभ है, आप जितनी देर तक अमृत कुंभ नहीं फोड़ोगे उतनी देर तक रावण का वध नहीं हो सकता, रावण का वध हुआ, रावण अब मोक्ष को प्राप्त हुए और भगवान राम को उन्होंने मन ही मन से प्रणाम किया। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामना, अच्छाई की जीत हो, बुराई की हार हो और सब जगह पे शांति की स्थापना हो, हम सब सुखी रहें, आरोग्य रहें, आरोग्य ही जीवन में सबसे बड़ा धन है। अगर आप रोगी हैं, आपके पास खरबों रुपया है, एक रुपए का भी आपको कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर माही देशमुख हमारे पास खड़ी है, फॉलो करते हैं और मैं देखता हूँ बड़े बड़े नेता इनके पास आते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने धन का, अपने रोग, अपने अपने मन का और विशेषतर अपने आरोग्य का ध्यान रखें, क्योंकि आरोग्य ही जीवन में आपको मुक्ति के मार्ग पर लेकर जाता है। इसलिए मूलधारा चक्र से सहस्रार चक्र तक हमने जैसे जैसे आपका मार्गदर्शन ये नवरात्रों में किया है, आपने सारे नवरात्रे बहुत ही प्रेम से हमारी माध्यम से सुने, आपने देखे और फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आपने स्मरण किया, अमल करें, क्योंकि आज नहीं सतयुग से लेकर आज तक हिंदू ही ऐसा एक धर्म है जिसकी विजय हुई है। चाहे 250 साल अंग्रेजों ने और 600 साल मुगलों ने हमारे पास ऊपर राज किया, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये इकबाल लिख के गए हैं। इसलिए हिंदू धर्म का फिर उदय हो रहा है, नरेंद्र मोदी जैसे, विवेकानंद जैसे व्यक्ति जिन्होंने त्रेता युग का प्रारंभ कर दिया है, राम भगवान की स्थापना हो गई है और हमारे हिंदू धर्म में काशी कॉरिडोर बन चुका है, आगे आने वाले दिनों में मथुरा बनेगा और कहीं ना कहीं महाकाल की भी स्थापना जो है बड़े सुंदर सुसज्जित तरीके से हुई है। जब इतने देवी देवताओं का हमारे नेताओं को आशीर्वाद है तो हिंदू धर्म का आशीर्वाद है, सनातन धर्म का आशीर्वाद है। आप देख रहे होंगे कि विदेशों में लोग हरे कृष्णा हरे रामा के नाम से नाचते हैं जोर जोर से। प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद ने कितने मंदिर बनाए और उन मंदिरों के माध्यम से उनमें से 80% काम करने वाले जो हैं वो विदेशी लोग हैं, और फिर स्वामीनारायण संस्था के कितने सुंदर मंदिर बने हुए हैं। तो इन मंदिरों के माध्यम से पूरे संसार में हिंदुइज्म का जागरण, हिंदुइज्म का उदय होता हुआ दिखाई देता है। मैं आप सबसे आज फिर अनुमति चाहता हूँ, माँ की से प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे ही हमारे घर, हमारे ऑफिस, हमारे सबके हृदय में ऐसे ही हर साल आती हैं, हमें आशीर्वाद देती हैं। हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे, आभारी रहेंगे, आपके बच्चे हैं, आपके सेवक हैं, आपके मंगते हैं, हमेशा हमें सुख देगा।